दोस्तों, देवघर रेलवे स्टेशन से जुड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय बस पड़ाव। जी हाँ दोस्तों, बागमारा स्थित अंतर्राष्ट्रीय बस पड़ाव तक यातायात को सुगम बनाने को लेकर देवघर रेलवे स्टेशन तक फ्लाई ओवर ब्रिज से जोड़ने की पहल शुरू की गई है। मंगलवार को निगम सभागार में निगम द्वारा क्रियान्वित कार्यों की प्रगति की समीक्षा में नगर प्रशासन शैलेंद्र कुमार लाल ने यह संकेत दिया है कि उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजर रोहित को जुड़को के माध्यम से रफ डीपीआर बनाने का निर्देश दिया। इंटरस्टेट बस टर्मिनल से देवघर रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 400 से 500 मीटर की है। एफओबी बनने से आवाजाही के लिए आम लोगों को सुविधा के साथ साथ शहर का सौंदर्यीकरण भी बढ़ेगा। बताया गया है कि अंत तक ISBT का काम पूरा करके हैंडओवर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन विस्तारीकरण की समीक्षा में बताया कि अब 138 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाया गया है। हालांकि RCD सहयोग नहीं मिलने से पाइपलाइन विस्तारीकरण के काम में व्यवधान हो रहा है। अन्य एजेंसी भी बाधा पहुंचा रही है। नगर प्रशासन ने कहा कि इस काम को गंभीरता से लेते हुए संबंधित एजेंसी के साथ संबंधित स्थापित कर जल्द से जल्द पूरा करे। दोस्तों, देवघर के बड़े प्रोजेक्ट में से एक ISBT इंटर स्टेट बस टर्मिनल का प्रोजेक्ट है, जो कि बागमारा में बन रहा है। बनने में पहले ही काफी ज्यादा विलंब हो गई है, के कारण कि इस प्रोजेक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करते हुए यह फैसला लिया गया है कि बागमारा बस टर्मिनल से देवघर स्टेशन तक फ्लाई ओवर बना के दोनों की कनेक्टिविटी को आसान किया जाए और ट्रैफिक में भी सुधार आने की संभावना है। दोस्तों, इससे ऐसा लगता है कि देवघर स्टेशन को लेकर आगे भी बहुत बड़ी सोच रखी गई है। देवघर स्टेशन से और भी रेलगाड़ियों चलाने की संभावना है। दोनों की कनेक्टिविटी बढ़ाने से ऐसा प्रतीत हो रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो देवघर के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए जसीडीह नहीं जाना पड़ेगा और देवघर स्टेशन से ही दूसरे शहरों के लिए ट्रेन मिलने लगेगी। कनेक्टिविटी सुगम हो पाएगी और यातायात में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आगे देखना यह है कि इस प्रोजेक्ट को कब पूरा किया जाता है और लोगों को कब इसे समर्पित किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।